शासन के आदेश पर जांच के दौरान उर्वरक विक्रेताओं और सहकारी समितियों ने 98 मीट्रिक टन यूरिया किसको बेच दी, इसका पता नहीं चल रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने 6 खाद विक्रेताओं के खिलाफ FIR के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा 3 सहकारी समितियों के सचिवों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शासन की ओर से टॉप 20 खरीदारों की जांच के आदेश दिए गए थे। DM के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने मामले की जांच की। इस दौरान खुलासा हुआ कि 11 विक्रेता 213 MT यूरिया बिक्री का स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसमें शामिल नाम किसानों के नहीं बल्कि फर्जी तरह से अन्य लोगों के हैं और उन्हीं के नाम पर यूरिया बेचा गया। इनमें 3 सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं। जांच के दौरान अधिकांश मामलों में विक्रेता यूरिया खरीदने वालों के पते नहीं दे सके। जिन लोगों के नाम पर यूरिया बिक्री दिखाई गई, वह संबंधित पते पर नहीं मिले। अब तो तब हो गई जब साधन सहकारी समिति पपड़ी खुर्द पर सचिव ने विक्रय सहयोगी उमेश चंद्र के नाम ही 10.63 MT यूरिया की बिक्री दिखा दी। इस तरह से साधन सहकारी समिति खिमसेपुर और धीरपुर पर बिना नाम और बिना पता दर्ज किए 45 MT खाद की बिक्री कर दी गई। पूरे मामले की चल रही जांच में अब सामने आया कि उक्त समितियों ने गलत नाम और पते पर यूरिया बेचा था। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को 100% यूरिया उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी गड़बड़ी करने वाले 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। सभी SDM को जांच के आदेश दिए गए हैं। खाद को लेकर एक आम जन में एक गलतफहमी पैदा की गई है कि इस बार खाद की क्राइसिस होगी, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इसी धारणा के चलते हुए अवैध रूप से होर्डिंग की है। कुछ दुकानदारों द्वारा ऐसे लोगों को बेची गई जिनका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, तो ऐसे लोगों को 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। AR कोऑपरेटिव को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सोसाइटी से खाद जा रही है वो EPOS मशीन के माध्यम से ही जानी चाहिए। अभी तक जो जांच की गई उसमें पाया गया है कि EPOS मशीन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया सचिवों ने। उनको निर्देश दे दिया गया है कि सभी सचिवों से संबंध में स्पष्टीकरण लिए जाएं और भविष्य में जो भी वितरण खाद का हो EPOS मशीन से हो, सभी SDMs को निर्देशित कर दिया गया कि वो लगातार राउंड लें, दुकानों को चेक करें कि कहीं पर ओवरहीटिंग तो नहीं हो रही है, और जहां पर भी खाद की उपलब्धता कम हो रही है वहां पर खाद दी जाएगी। पूरी तैयारी के साथ हम लोग किसी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं होने दी जाएगी, खाद की कोई कमी।